अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में डबल विंग्ड आईलाइनर का कंप्लीट डेमो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, वो भी बहुत ही इजी टेक्निक के साथ। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखते रहना है। स्मॉल और विड आईज पे वर्क करने के लिए हम लोग आईब्रो की शेप को काफ़ी ज़्यादा हाई लिफ्ट करने वाले हैं। उसके लिए बकायदा गाइडलाइन के लिए हमने एक कार्ड यूज़ किया है, कोई भी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने विजिटिंग कार्ड लिया हुआ है, ठीक है, और उसकी हेल्प से मैं थोड़ा सा अपनी आईब्रो की शेप को ऊपर की तरफ उठा रही हूँ और इस तरह से जो है मैं प्रॉपर एक एंगल ब्रश की मदद से फिल कर रही हूँ। आईब्रो की शेप को आपने नीट करना है और आप देखें कितना अच्छा यहाँ पे हम आ गया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह मैं जो हमारी आउटर साइड है उस साइड पर भी इसी तरह से इसकी मैं फिलिंग कर रही हूँ, ठीक है। और मज़ीद इसको नीट करने के लिए ब्रो बोन एरिया पर कंसीलर का यूज़ किया जा रहा है ताकि हमारा ब्रो बोन एरिया जो है वो काफ़ी हाईलाइट जो है वो हो जाए और साथ ही हमारी आईब्रो जो है वो हाई लिफ्ट नज़र आए। लाइट सा कंसीलर मैं यहाँ पर पूरी आंख पर अप्लाई करूँगी और आंख के नीचे भी हल्का सा अप्लाई करके और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से प्रॉपर इसको जो है वो मैं ब्लेंड करके पाउडर के साथ फिक्स कर दूँगी। लाइनर में इस टाइम जो यूज़ कर रही हूँ वो वाटर केक है, क्रिस्टाइन ब्रांड का। बहुत सारे ब्रांड्स में आपको ये वाटर केक लाइनर्स मिलते होंगे जिनको आप पानी के साथ या फिर अपने माइसलर वाटर के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हो। मैंने इस टाइम पानी ही लिया है, वाटर केक है तो वाटर के साथ मिक्स होके तो एक थिक बेस हमें देगा। और हम एक जो हमने बिल्कुल पतला सा लाइनर ब्रश लिया है उसकी मदद से आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो हमारा आउटर कॉर्नर है उससे भी हमने बाहर की तरफ एक लाइन हल्की सी बाहर निकाल के ड्रॉ करनी है। और अब हम पूरी वाटर लाइन के साथ साथ जो है लैश लाइन के साथ साथ जो है लाइनर अप्लाई कर लेंगे। अब जो हमारा लाइनर है इसे मैं थोड़ा सा मोटा करने वाली हूँ ताकि सेंटर में जो हमारी लाइन आए ना वो बिल्कुल बारीक आए। इनर से भी मैं कॉर्नर को बाहर की तरफ लेकर जा रही हूँ, इससे हमारी आई की जो लेंथ है वो लॉन्ग दिखेगी। और अब मैं जो है अपने लाइनर को थोड़ा सा मोटा करके और इसको मैं बाहर तक जो है वो इस तरह ही विंग बनाऊँगी, ठीक है। जब मैं इसके अंदर कलर्स की फिलिंग करूँगी तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। डिफरेंट कलर्स आप इसमें फिल कर सकते हो, हर कलर अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। अभी जो कलर मैंने चूज़ किया है ये हमारा लाइनर है, ये भी क्रिस्टाइन ब्रांड ही का लाइनर है। और ड्राई होने के बाद हम लोगों ने इसको जो है जस्ट उस लाइन के अंदर फिल करना है जो हमने एक खाली स्पेस छोड़ दी थी, ठीक है। और देखें कितना आसानी से हमने डबल विंग्ड आई लाइनर जो है यहाँ पर अप्लाई कर लिया है जो कि छोटी आँख पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आइज़ के अंदर मुझे वाइट कलर का जो है वो जेल लाइनर फिल करना है या काजल पेंसिल अगर आपके पास है वाइट पेंसिल उसे हम लोग जो है वो फिल करेंगे। जेल लाइनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ इस टाइम वो मैंने लिया है काशिज़ ब्रांड का, या लोकली भी आपको काफ़ी ब्रांड्स में ये मिल जाता है। वैसे भी हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट किया करें, आपको सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे। www.lashesbeautyparlor.com पे हर ब्रांड के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो एक दफ़ा जाकर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम आँखों के नीचे भी वही वाटर केक लाइनर जो है क्रिस्टाइन का उसको एक पेंसिल ब्रश की मदद से हल्का हल्का फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने इनर आउटर तक जो है वो इस कलर को लगाना है और हल्के हाथों से इसको फैला देना है। और डार्क ब्राउन कलर से मैं इसकी थोड़ी सी ब्लेंडिंग करूँगी ताकि मज़ीद ये हमारा कलर खूबसूरत लगे। अब यहाँ पर मस्कारा लगाएंगे अच्छे तरीके से। मैबलिन का मस्कारा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आपने मैबलिन के मस्कारा जिसका बिल्कुल पतला सा छोटा सा ब्रश होना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि जब ब्रश हमारा बहुत बड़ा होता है तो वो उस टाइप से हम अप्लाई करते हैं तो वो इधर उधर से मेकअप हमारा जो है वो रफ़ हो जाता है, ठीक है। ब्रो बोन एरिया पर मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और हम इनर कॉर्नर पर भी थोड़ा सा हाइलाइटर को यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी आई थोड़ी सी बड़ी दिखेगी। और हल्का सा क्रीज़ को इन्हेंस करने के लिए पिंक कलर का मैंने यहाँ पर जो है वो कलर लिया है, ठीक है। और उस कलर के साथ मैं इस तरह से अंदर की तरफ ही कंटोर की तरह से जो है वो प्रॉपर आई को कंटोर कर रही हूँ। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, छोटी आँख जो है वो हमारी बड़ी दिखना शुरू हो जाती है अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो। अब आपने हाइलाइटर यूज़ करना है, थोड़ा सा फिनिशिंग लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती है हाइलाइटर की हेल्प से। इनर पर भी मैं एक दफ़ा अगेन हाइलाइटर को यूज़ कर रही हूँ और अब आप देखें कि हमारा आई लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत प्यारा सा कमेंट करना है आपने इस मेकअप के लिए। और साथ ही जो है अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो भी कर लें, और सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया तो उसे भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी मिलियन सब्सक्राइबर हमारे कम्प्लीट होने ही वाले हैं। इसके साथ ही नाज़िया खान को आपने इजाज़त देनी है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।